राइट सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले रहेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे कि आखिरकार डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, डिजिटल मार्केटिंग आप कैसे सीख सकते हो. कुछ फ्री रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, कुछ पेड रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे. इसके अलावा हम बात कर रहे होंगे कि इसका रोड मैप आपको दिया जाएगा इस वीडियो में कि भाई आप कैसे, एक बिगिनर हो और आपको ये वाली फील्ड परस्यू करनी है तो आप कैसे कर सकते हो. और इसके अलावा हम लोग बात कर रहे होंगे कि क्यों डिजिटल मार्केटिंग जो है मतलब ट्रेंड में है, या उसको कहना चाहिए उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और भी थोड़ी बहुत चीज़ें देखेंगे हम इस वीडियो में. ठीक है, तो कुल मिला के आज वीडियो में बहुत सारी चीज़ें देखने वाले रहेंगे और काफ़ी आसान भाषा में आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सारा कुछ समझाने की कोशिश की जाएगी. ठीक है, तो अभी बिना किस देर के वीडियो को शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग. आखिरकार डिजिटल मार्केटिंग है क्या? डिजिटल मार्केटिंग अगर हम टर्म्स को स्प्लिट करते हैं, डिजिटल और मार्केटिंग, मतलब कि मार्केटिंग जिसको हम जो है डिजिटली कर रहे हो, डिजिटली मतलब कुछ भी प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं. ठीक है, सर्च इंजन हो सकते हैं जैसे कि गूगल हो गया. ठीक है, ये सारे. इसके अलावा हमारी जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, उनके थ्रू अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, या फिर आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो. ठीक है, तो ये अपने आप में एक स्पेसिफिक नीशेज़ हैं. ठीक है, कई लोग इसके अंदर सब नीशेज़ डिवाइड कर दी गई हैं कि अगर आप किसी मार्केट को सेल कर रहे हो इंस्टाग्राम के थ्रू या आप फेसबुक के थ्रू, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है. लेकिन अगर आप जो है ईमेल्स के थ्रू अगर अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ा रहे हो, या आप उसके बारे में जो है प्रमोशंस कर रहे हो, या चाह रहे हो कि आप जो है उसको प्रमोट कर रहे हो, तो जो है वो ईमेल मार्केटिंग के अंदर आता है. तो इस तरीके से सब नीशेज हैं जिसमें कि आप एक प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है या कोई कोर्स है, कुछ भी हो सकता है, वो उसको जो है आप सेल करने वाले रहोगे डिजिटली, उसको ही जो है डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं आसान भाषा में. डिजिटल मार्केटिंग क्या है, बहुत सारे तरीकों से आप कर सकते हो. ठीक है, एड्स चला के जनरली की जाती है डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें कि जो है फेसबुक एड्स चलाते हैं लोग, या फिर गूगल एड्स चलाते हैं. ठीक है, जिसके थ्रू वो प्रमोट करते हैं एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ मनी दे करके. ठीक है, एक तो ऑर्गेनिकल ग्रोथ होती है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है कि भाई आप जो नेचुरल प्रोसेस है जो आपको जितने बार दिखाया जा रहा है जहाँ पर भी खुद से ही, ऐसे होता है यार इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, या फिर यूट्यूब पे भी आप देखते होंगे कि भाई जो एड्स आते हैं अलग से वीडियो के पहले, जैसे अभी एड आया होगा, ठीक है, तो वो प्रमोट कर रहे हैं. ठीक है, डिजिटली अपनी जो भी चीज़ है, जो भी वो वर्कशॉप हो सकता है, कई लोग कोर्स के लिए चलाते हैं, या फिर कई लोग अपना कोई प्रोडक्ट होता है उसके लिए चलाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए लोग अपना प्रमोशन के पर्पस के लिए एड्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, ये एड्स या तो गूगल एड्स हो सकते हैं, नहीं तो फेसबुक पे एड्स हो सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पे एड्स हो सकते हैं. ठीक है, कई लोग मैंने बोला ईमेल के थ्रू भी करते हैं मार्केटिंग, तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, मेलचिप वगैरह, तो जिसके थ्रू मार्केटिंग की जा सकती है, अपनी कोई भी चीज़ को प्रमोट किया जा सकता है थोड़े अमाउंट ऑफ मनी को देने के बाद. ठीक है, अभी मनी देना पड़ेगा आपको. ठीक है, पैसे लगाने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, तभी वो आपको ऐड चला के देंगे. ठीक है, इस तरीके से होता है. तो ये क्या सिस्टम हुआ, हर कोई पैसे देके हर कोई चला सकता है, कोई भी कर सकता है? नहीं, ऐसे नहीं होता. क्या है, एड्स कोई भी चला सकता है लेकिन रिजल्ट सबको नहीं मिलते हैं. एड्स चलाने की भी काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं, आपको कैसे टारगेट करना है, कैसे कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, क्या प्रोसेस होती है, कितने उसका बिल्ड आपको करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. कई चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, कई चीज़ें आप कोर्स के अंदर सीखते हो कि भाई कैसे किया जाता है. गूगल एड्स इतना ही आसान होता चलाना, या फेसबुक एड्स इतना ही आसान होता चलाना, या रिजल्ट लेना इतना आसान होता, तो कोई भी कंपनी इतना भारी भरकम अमाउंट किसी कहना चाहिए कंपनी को क्यों देती है, डिजिटल एजेंसी को या किसी भी बंदे को क्यों देती है कि भाई आप मेरे लिए एड्स चलाओ या ये करो? क्यों? क्योंकि बस रिजल्ट होते हैं. ठीक है, या वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं उस ऐड को चलाने में, या उनके पास पहले से है एक्सपीरियंस, या फिर उन्होंने जो है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कमांड अच्छे से जमा रखी है. ठीक है, इसलिए जो है उनको दिया जाता है. अभी डिजिटल मार्केटिंग क्यों बेहतर है यार, और लोग क्यों हायर कर रहे हैं, उसको समझने के लिए कि भाई वाई डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग बेहतर इसलिए है यार क्योंकि आपको जो है पहले तो आपकी ऑडियंस को सिलेक्ट करने का मौका मिलता है कि भाई हमें किस तरीके की ऑडियंस चाहिए. फॉर एग्जांपल, आज मान लो मुझे ऐड चलाना है और मेरा कोई कोर्स आ रहा है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड और मुझे उसे प्रमोट करना है. ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं गूगल एड्स चलाने वाली हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर फ्रीडम है कि मैं किस ऑडियंस को, भाई जो इंसान इंटरेस्टेड ही नहीं है, जो एज ग्रुप इंटरेस्टेड ही नहीं है फ्रीलांसिंग करने के लिए, या स्टूडेंट्स कहना चाहिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, जिनका ये नीश ही नहीं है, या जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनको अगर मेरा एड्स दिखाया जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है और वो कन्वर्ट भी नहीं होंगे. ठीक है, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि राइट ऑडियंस पे आपके एड्स जाने चाहिए, उसका सिलेक्शन की कहना चाहिए आपको फ्रीडम मिलती है कि आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो, एज ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो, इनफैक्ट आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको फीमेल्स को दिखाना है कि मेल्स को दिखाना है अपना ऐड, आपको किस कंट्री से आपके ऑडियंस चाहिए. आप इंडिया को कर रहे हो टारगेट, यूएसए को टारगेट कर रहे हो, श्रीलंका को कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो,
मतलब क्या जगह है जिसको आप टारगेट कर रहे हो, आप वो भी डिसाइड कर सकते हो आराम से, और फिर वहाँ की ऑडियंस को, टारगेटेड ऑडियंस को ही जो है आपका जो है ऐड दिखाया जाएगा, तो ऑब्वियसली वो जल्दी कन्वर्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई कहना चाहिए बैक टू स्कूल टाइप का कोई वीडियो है या बैक टू स्कूल से रिलेटेड कोई मेरा प्रोडक्ट है, तो वो ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स उससे रिलेटेड देखते रहते हैं, जिनके पास ऑलरेडी इस तरीके की इंटरेस्ट है, उनको मेरा ऐड दिखाया जाए। कैसे दिखाएंगे भाई, एक चीज़ हमेशा याद रखो यार, आप जो भी देखते हो, आप जो भी सर्च करते हो, वो कहीं ना कहीं डेटा जो है फीड किया जाता है, और आप जो है कहना चाहिए ट्रैक हो रहे हो ऑब्वियसली एक जगह पे, हर एक कहना चाहिए प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रैक किया जाता है, आपकी हिस्ट्री को ट्रैक किया जाता है, आपकी एक्टिविटी को ट्रैक किया जाता है, ठीक है। तो उस ट्रैक के हिसाब से, उस एक्टिविटीज़ के हिसाब से जो है वो आपको क्लासिफाई कर देते हैं कि भाई इस टाइप का कंटेंट जो है ये इंसान दिखता है, या ये इंसान को पसंद है, या ये चीज़ें बार बार मतलब इस टाइप की वीडियोज़ इनको देखना पसंद होता है, या इस टाइप के प्रोडक्ट ये इंसान खरीद सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्लासिफाई कर दिया जाता है और आपको उस तरीके का ऐड दिखाया जाता है। कई बार आप देखते होंगे कि भाई आपकी फीड में जो आपने एक बार सर्च किया उससे रिलेटेड ही कहना चाहिए बाद में वो को दिखाने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें होती है ना, वो सब चीज़ें नोटिस करके, ट्रैक करके, और उसके बाद आपको क्लासिफाई करते हैं, और फिर उस टाइप का ऐड आपको दिखाया जाता है, ठीक है। ये सारा कुछ डिजिटल मार्केटिंग का ऐसे बैक एंड है, ठीक है। अभी फ्रंट एंड पे आते हैं वापस। तो इस तरीके से काफ़ी बड़ी रेंज में आपको जो है कस्टमाइज़ करने का मौका मिलता है, आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं सबको आप सबको कस्टमाइज़ कर सकते हो बड़ी आसानी से, और टारगेट कर सकते हो, ज़्यादा कन्वर्जन ला सकते हो, ज़्यादा सेल्स ला सकते हो, आपके प्रोडक्ट सही लोगों को दिखाए जाएंगे, तो वो ज़्यादा कहना चाहिए अवेयरनेस आपके प्रोडक्ट के बारे में भी फैलेगी, और उन लोगों को भी ढंग से समझ में आएगा कि भाई क्या चाह रहा है सामने वाला इंसान, ठीक है। ठीक है यार, ये तो बात हो गई कि ठीक है डिजिटल मार्केटिंग ये होती है इसलिए बेहतर है। अभी बात कर लेते हैं कि आप सीख कहाँ से सकते हो, ठीक है। पहले सीखने की बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक रोड मैप दिया जाएगा, ओके। तो सीखने के लिए यार फ्री रिसोर्सेज में मैंने दो अभी आपके लिए सजेस्ट मैं कर रही हूँ यहाँ पर, तो उसमें से एक ये जो है ऋषिकेश रॉय की जो है प्लेलिस्ट है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है। तो इनको आप जा करके देख सकते हो, इनकी पूरी प्लेलिस्ट है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, आप इसको फॉलो वॉलो करो और पूरा चीज़ें सीख डालो, ठीक है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसके अलावा वी क्यूब टेक का भी एक वीडियो है जिस पे मतलब आप जा करके सीख सकते हो, काफ़ी बड़ा सा कोर्स है उनका, लगभग 3 घंटे का कोर्स है, तो आप वहाँ से जाके भी सीख सकते हो, और भी आपको काफ़ी सारे फ्री सोर्सेज मिल जाएंगे यार, जहाँ से आप सीख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, समझने के बाद आप कोई भी एक क्लासिफाई कर सकते हो कि आपको किस नीश में जाना है, आपको फेसबुक एड्स का एक्सपर्ट बनना है, आपको इंस्टाग्राम एड्स का एक्सपर्ट बनना है, आपको गूगल एड्स का एक्सपर्ट बनना है। अब ये पूछोगे कि भाई किस में ज़्यादा स्कोप है, यार सबका अपना अपना स्कोप है और सबके क्लाइंट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसलिए डिपेंड करता है कि आपको क्या किस में इंटरेस्ट है, आपको अपनी नीश सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आप किस में जाना चाहते हो, या फीमेल मार्केटिंग में जाना चाहते हो, आप उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो पहले अपना इंटरेस्ट क्लासिफाई करो और उसके हिसाब से जो है आप उसको सीखना स्टार्ट कर सकते हो। बट बिफोर दैट आपको जो है डिजिटल मार्केटिंग का पूरा ज्ञान ऐसे लेना पड़ेगा कि भाई क्या चीज़ें क्या होती हैं और किस किस की मुझे आगे सीखने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। कुछ स्किल्स होती हैं यार जिनका आपको कहना चाहिए जरूरत पड़ सकती है, तो थोड़ा बहुत HTML बेसिक सा, WordPress थोड़ा बहुत, इसके अलावा एड्स की तो पूरी नॉलेज चाहिए है, ठीक है। उसके अलावा कम्युनिकेशन, थोड़ा सा कमांड कोई भी लैंग्वेज पे, तो ये सारी कुछ स्किल्स हैं जिनकी कहना चाहिए आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में उतर रहे हो, ठीक है। तो बेसिक HTML वगैरह भी थोड़ी सी आनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी सीखी जा सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या चाहते हो, और अगर एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो और इसको परस्यू करना चाहते हो आगे तक, तो ज़रूरी है यार कि छोटी छोटी चीज़ें जो अभी स्किल्स भी बताएं उन पर भी कमांड बनाओ। इसके अलावा एक बार किसी कोर्स को शुरू करो तो उसको एक बार स्टार्ट कर दिया ना तो पूरा ख़त्म करो, ठीक है। इसके अलावा लगता है कि भाई ये चीज़ भी पर्टिकुलर मुझे सीखनी चाहिए या मुझे समझ में नहीं आए, तो वो सारी चीज़ें भी डिस्कवर कर सकते हो आप, सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है। अभी पेड कोर्सेज के लिए यार Udemy पे आप जाओ, तो वहाँ पे काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया पेड कोर्सेज हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का ले लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी भाई ठीक है सारा कुछ समझ में आ गया, तो एक सब नीश आप सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे किस नीश में जाना है। नीश मतलब क्या हो गया, एक सब कैटेगरी, नीश एक जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड हो जाता है, सब कैटेगरी, ठीक है। तो जो भी आपको समझ में आ रहा है कि भाई फेसबुक वाले एड्स में जाना चाहिए मुझे, या फिर इंस्टाग्राम वाले में जाना चाहिए, या फिर गूगल एड्स में जाना चाहिए, जो भी जाना चाहिए उसको आप बाद में फिर मास्टर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये पूरी आपकी जर्नी चल रही होगी। अब भी बात कर लेते हैं रोड मैप की। तो यार रोड मैप में सबसे पहला वही मैंने जो भी बताया, आपको नीच सेलेक्ट डाउन करनी होगी। स्टेप नंबर 1 इज सेलेक्टिंग द नीच। अब आपको जो है डिसाइड कर लिया आपने क्या नीच है, इसके पहले लर्न करना है, ठीक है। बिना सीखे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, तो सीखने पे ध्यान देना है। इसके बाद स्टेप नंबर 2 इज प्रिपेयरिंग पोर्टफोलियो। अभी बोलोगे यार इसमें क्या पोर्टफोलियो प्रिपेयर करना है, ऑब्वियसली यार आपके जो सर्टिफिकेट्स होंगे, जो आपका प्रीवियस काम रहेगा, खुद की भी किसी चीज़ को कभी करके देखो, एड्स रन करके देखो, जो कहना चीज़ जो स्टैट्स होते हैं उनके स्क्रीनशॉट लेकर एक जगह इकट्ठा करके रखो, जो सीखा हुआ है इतने साल में
क्या आप वैल्यू ऐड कर रहे होगे, कुछ चीज़ें जो है उसमें एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो टाइप का तैयार करो जो सामने वाले को आप भेज रहे होगे, ठीक है। तीन चार चीज़ें ऐसे कोल्ड ईमेल्स के लिए भी आप एक फॉर्मेट तैयार करके रखो कि भाई ये जो मेरा बेस्ट काम जो भी है इस तरीके से। उसके अलावा आप जो है अप्रोच करोगे तीसरे नंबर पे क्लाइंट्स को, ठीक है। अभी क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करना है, यार चार बहुत ही बेहतरीन तरीके होते हैं। पहला तो आप कोल्ड ईमेल लिख दो, दूसरा फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, इसके अलावा जो है आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी को, डीएम वगैरह कर दिया करो या आपको कहीं मिलता है तो उस पर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा लिंक्डइन पे आप प्रोफाइल बना सकते हो कि भैया आप जो भी हो उसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चार तरीके हैं। इसके अलावा एक वीडियो बनाया यार अभी कुछ टाइम पहले आया, उस पर काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स आया है, तो आप वो देख लो। उसमें मैंने बढ़िया डिटेल में बताया हुआ है कि आपको कैसे क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको कैसे क्लाइंट्स लेने चाहिए, तो आई बटन में लिंक कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो वहाँ से जा करके आप देख सकते हो। नंबर थ्री हो गई हमारी क्लाइंट्स को अप्रोच करना है। चौथा जो है कि भाई आपको जो है स्केल करना सीखना होगा, यार अभी ये क्लाइंट मिल गया है तो अभी उससे रिलेटेड जो है आपको स्केल अप करने के लिए वो जो पोर्टफोलियो में उनके साथ काम करोगी उसे ऐड करो, उसके बाद दूसरों को अप्रोच करना शुरू करो, ठीक है। धीरे 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 आपको जो है अप्रोच करते जाओगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक दिन में यार आप 100 अगर ईमेल लिख रहे हो तो 10 तो आपको रिप्लाई आएंगे आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है लिखने का तरीके पर ध्यान दो यार। एक कोल्ड ईमेल के लिए भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है, तो उसको देख लेना एक बार। इसके अलावा फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे आप चाहो तो आप डाल सकते हो, ठीक है। गूगल एड्स के लिए, फेसबुक एड्स रन करके दोगे जिसके लिए भी आपको जो है डाल सकते हो, और फाइवर का ट्यूटोरियल अपने चैनल पे है ही पूरा, तो वहाँ से देख सकते हो और वहाँ पे भी स्टार्ट कर सकते हो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे, तो वहाँ से भी आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट बिफोर दैट फोकस ऑन लर्निंग, फोकस ऑन पॉलिशिंग योर स्किल्स, ठीक है। ये हमारा पहला मेन गोल होना चाहिए कि भाई हमको कुछ अच्छा सा सीखना है, पहले हम सीख जाएंगे उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद हम अर्न करेंगे, ठीक है। ये लेजिट प्रोसेस है और इसके बिना कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। पहले अर्न नहीं किया जा सकता, बाद में ही अर्न होगा, पहले सीखने पर फोकस रखना। इसके अलावा आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पांचवा स्टेप रहेगा हमारा वो रहेगा पेशेंस का, ठीक है। सारा खेल पेशेंस का है यार, थोड़ा सा इत्मीनान से पहले दिन सारी चीज़ें सही नहीं हो जाती, कई बार हो भी जाती हैं तो, लेकिन नहीं हो रही है तो उसके लिए पेशेंस रखना, हो गई है तो कोई बात नहीं, तब भी पेशेंस रखना है कि भैया अभी बहुत लंबा रास्ता हमें जाना है और पहले ही अगर ऐसे डगमगा जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। इसलिए इत्मीनान से आराम से जो है अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप येलो हार्ट और येलो स्टार, और प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना यार, और किस बारे में वीडियोस चाहिए, कैसे वीडियोस चाहिए, सब कुछ लिख दो कमेंट बॉक्स में। मैंने कोशिश की यार कि आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, आप कैसे सीख सकते हो, जिनको आगे करियर बनाना है। तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि दीदी बनाओ एक वीडियो और हमको बताओ, हमको थोड़ा गाइड कर दो, तो उनके लिए वीडियो थी, ठीक है। और बस आज की वीडियो में इतना ही था, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।